इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 20वां सवाल, आरबीआई के गवर्नर कौन है? ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी डी सुब्बाराव, डी शशिकांत दास। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे एक इंटरव्यू खास मुलाकात। भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने अस्पताल की कुव्यवस्था पर मुख्यमंत्री पर किया करारा प्रहार। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में बीमार लोगों का इलाज नहीं होने के मामले को लेकर नगर विधायक अजीत शर्मा ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समुचित इलाज नहीं होने के कारण परिजन मजबूर होकर मरीजों को बाहर ले जा रहे हैं। अगर इलाज सही हो तो फिर वापस क्यों जाएंगे, वो इलाज कराने ही तो अस्पताल पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, जबकि विधायक ने अस्पताल में कुव्यवस्था के कारण पूर्णिया से आए एक मरीज की दर्दनाक मौत होने की बात कही। विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री से अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था करने, बेड बढ़ाने और आवश्यक दवाइयों को उपलब्ध करवाने की मांग की है। कोरोना के बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त पटना रेफर। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया है, जिसके बाद देर शाम प्रमंडलीय आयुक्त एम्बुलेंस से पटना एम्स के लिए रवाना हो गई। बताते चलें कि 3 दिन पूर्व ही भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त कोरोना संक्रमित हो गई थी और इसके बाद अपने घर पर ही होम क्वारंटीन पर थी, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना भेजने का निर्णय लिया है, जिसके बाद देर शाम सड़क मार्ग से प्रमंडलीय आयुक्त को एम्बुलेंस के द्वारा पटना भेज दिया गया। वहीं भागलपुर में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भागलपुर के कमिश्नर, डीएम, डीडीसी सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नवगछिया में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस आक्रामक, कराया उठक बैठक, एकाएक राहगीरों पर टूट पड़ी पुलिस। लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने वालों पर बुधवार के दिन पुलिस आक्रामक दिखी। बुधवार के दिन लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर सामत आ गई थी। भरे चौराहे पर ऐसे लोगों से उठक बैठक करवाया गया और वीडियो बनाकर उसे सोशल साइट्स पर भी भेज दिया गया, जिससे शहर में हड़कंप था। अनाधिकृत रूप से दुकान खोलने वाले सभी व्यवसायी ने डर से अपनी दुकानें पहले ही बंद कर ली थी। नौगछिया के एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के योगदान के साथ ही नौगछिया पुलिस एक्शन में आ गई है। पिछले 2 दिनों से नौगछिया शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने की कार्रवाई में जुट गई है। नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा कोरोना को हराने के बाद मंगलवार को ही नौगछिया थाना अध्यक्ष का चार्ज लिया। चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के पालन कराने को लेकर शहर में गतिविधि तेज कर दी है। शहर में जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जुर्माना भी किया जा रहा है। इसके अलावा अनावश्यक कार्य से घर से निकलने वाले युवकों को पुलिस उठक बैठक करवाकर उन्हें भी सजा दे रही है। पुलिस के सख्त कार्रवाई के बाद नौगछिया शहर में पिछले 2 दिनों से लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। 2 दिनों से लॉकडाउन के नियमों का पालन होने से शहर के बुद्धिजीवी व समाज सेवी ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि नौगछिया शहर में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, इसके बाद भी शहर में भीड़ लगना चिंताजनक था। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह उठक बैठक कराना अमानवीय है, स्थिति में वीडियो नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ नौगछिया के कई लोगों ने पुलिस की खुलकर तारीफ की है। नौगछिया पुलिस जिले में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, 116 लोगों को किया गया जुर्माना। नौगछिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने वालों पर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गई है। बुधवार को एसपी सोपरा जी मेश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में गहन मास्क चेकिंग अभियान एवं वाहनों की जांच की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान में 116 लोगों को बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते पकड़े जाने पर सभी लोगों को जुर्माना किया गया। इस दौरान कुल 5800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। इसके साथ ही 3 वाहन चालक से 4000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।
गंगा नदी के जलस्तर में कमी होने का सिलसिला जारी। गंगा नदी के जलस्तर में कमी होने का सिलसिला लगातार जारी है। जल संसाधन विभाग के कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर की कमी गंगा नदी के जलस्तर में आई है। वहीं इस्माइलपुर बिंटोली में भी 5 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। बुधवार को गंगा नदी 31.00 मीटर पर बह रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। सिविल सर्जन के निर्देश पर गोपालपुर PSC हुआ सील। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के निर्देश पर गोपालपुर PSC को 4 दिनों के लिए पूरी तरह से सील कर सेवाओं को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि अब तक 7 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिस कारण वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर 4 दिनों के लिए PSC को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रसव हेतु आने वाली मरीजों को रंगरा PSC व अनुमंडलीय अस्पताल एम्बुलेंस से पहुंचाया जाएगा। टीकाकरण, OPD व आपातकालीन सेवा फिलहाल स्थगित रहेगा। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मी का सैंपल जांच हेतु भेजा जाएगा तथा PSC परिसर व सभी कमरों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। नवगछिया के रंगरा में 55 लोगों का लिया गया सैंपल। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के PSC में 55 कोरोना संदिग्ध लोगों का सैंपल लिया गया है। डॉक्टर रंजन ने बताया कि सभी लोगों का सैंपल जांच हेतु भेज दिया गया है। सभी संदिग्ध का रिपोर्ट आने तक होम क्वारंटीन रहने को कहा गया है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगा। नवगछिया के छर्रापट्टी में 50 लाख की लागत से 16 सड़क का होगा निर्माण। जगतपुर मुखिया ने सड़क का किया शिलान्यास। नवगछिया प्रखंड के जगतपुर पंचायत के छर्रापट्टी गांव में 50 लाख की लागत से 16 सड़कों का निर्माण होगा। बुधवार को पंचायत की मुखिया सोनी भारती, समाज सेवी सह मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव ने सड़क का नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास किया। शिलान्यास का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सम्पन्न हुआ। नवगछिया लोकमानपुर में बाढ़ आने से बिजली का खंभा नदी में समाया। लोकमानपुर में कोसी नदी में आई बाढ़ से बुधवार को बिजली का खंभा और तार ध्वस्त हो जाने से लोकमानपुर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई। विद्युत आपूर्ति ठप होने से पूरे लोकमानपुर में अंधेरा छा गया है। आम लोगों का संपर्क रिश्तेदारों से टूट गया। लोगों का मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में लोग गाँव से सूचनाएं बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। नारायणपुर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित कई विधायक को एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कुमार विद्यार्थी ने लॉकडाउन का पालन करते हुए ईमेल के माध्यम से पत्र प्रेषित किया है। डॉक्टर विद्यार्थी ने इस पत्र के साथ राजस्थान विधानसभा में पारित बिल एवं सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति भी संलग्न करते हुए बिहार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में विधेयक लाकर शासकीय मान्यता देने की मांग की है। बिहपुर पुलिस ने चोरी की नाव राजमहल से किया बरामद। बिहपुर पुलिस ने बैकंठपुर दुधेला पंचायत के जग्गन दियारा से चोरों द्वारा चोरी की गई नाव मंगलवार की देर शाम झारखंड के राजमहल से बरामद कर लिया। बीपुर SHO ने बताया कि इस चोरी के बाबत नाव के चालक विनोद मंडल साकिन गोड़ियासी पोस्ट गंगापुर थाना सुल्तानगंज ने प्राथमिकी दर्ज करवाया था। बता दें कि अपने आरोप में चालक ने बताया था कि 14 जुलाई की शाम अपने बासा पर नाव रखकर घर चला आया। जब सुबह पहुंचा तो नाव उसकी वहां से गायब थी। कदवा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ढोलबज्जा के कदवा OP थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरपुर कदवा निवासी सिंहेश्वर रजक के पुत्र लड्डू रजक व मांगन रजक के पुत्र सुबोध रजक को कांड संख्या 75/19 के तहत उधर
झड़कहवा गांव निवासी माधो यादव के पुत्र सौरभ यादव को कांड संख्या 23/20 के तहत कदवा पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। ढोलबज्जा कोसी नदी में डूबने से वार्ड सदस्य के पति की गई जान। ढोलबज्जा के चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत लवा लगाव पूर्वी पंचायत के बिंद टोली गाँव समीप कोसी नदी में आई बाढ़ के पानी में डूबने से एक अधेड़ की जान चली गई है। मृतक लोवा लगान पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 14 के वार्ड सदस्य शांति देवी के पति घोल्टी शर्मा 50 वर्षीय बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घोल्टी का भैंस कोसी नदी के पार जयरामपुर की तरफ चला गया था, जिसे लाने के लिए घोल्टी जा रहा था। इसी बीच पैर फिसलने से वह कोसी नदी के अथाह पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8954555586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना।